हिंदुस्तान चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है। प्रथम चरण चुनाव भी हो चुके हैं। 7 चरण में लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न कराया जाएगा। बनारस के घाट पर हम मौजूद हैं और 7वें चरण यानी कि 1 जून को यहां पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन सियासी जुबानी जंग हो वो लगातार जारी है, जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से 400 से अधिक सीट जीतने का दावा किया गया है, वहीं इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि आप 150 पर सिमटने जा रहे हैं। हालांकि हम सीटों को लेकर इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये जानेंगे बनारस के लोगों से कि वो क्या सोच रहे हैं। पूर्वांचल किन आधारों पर वोट करने जा रहा है, इसके अलावा बीते 10 सालों में केंद्र सरकार की नीति इन लोगों के पक्ष में रही है कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे। आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे, 10 साल की सरकार की नीतियां कैसी रही है, कैसे देखते हैं भाई? हम तो इसको अच्छे रूप में देखेंगे जी, और आगे भी अच्छा रहेगा और अच्छा ही चलेगा, आगे भी अच्छा रहेगा। और जी, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया नीति है, बहुत बढ़िया नीति है, इंक्लूसिव भी है, गरीबों के लिए है, हर वर्ग के लिए बहुत अच्छी नीति है, और देश का मान सम्मान भी बढ़ रहा है। देश हर लोग रोजगार से एकदम खुश हैं, और इससे वोट हम लोग उन्हीं को दिया जाएगा। वोट किसको दिया जाएगा ये तो देश तय करेगा, इसके अलावा जनादेश किसका होगा ये भी समय पर आने पर पता चलेगा। सर, एक बात स्पष्ट है, बनारस देश की सियासत तय करता है। 10 वर्षों में बहुत कुछ इस बनारस ने देखा है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बनारस में क्या कुछ हुआ। बनारस के व्यापारी क्या महसूस कर रहे हैं? ये संदेश भारत के अन्य जिलों में, अन्य शहरों में जाना चाहिए। बनारस के व्यापारी, बनारस के व्यापारियों पर ही हम बात करेंगे। क्या मुश्किलें आ गई, क्या समस्या हो गई? बनारस में मैदागिन से लेके गदलिया के बीच में जो यहाँ के व्यापारी थे, वो 5-7-6 पीढ़ी से अनरत जो यहाँ का व्यापार है, वो ऐसा कोई होलसेल मार्केट नहीं है, होलसेल मंडी नहीं है जो मैदागिन से लेके गोदलिया के बीच में ना हो, और प्रहलाद घाट से लेके 80 के बीच में 2.5-3 लाख नागरिक यहाँ निवास करते हैं, और 35,000 व्यापारी यहाँ पे व्यापार और व्यवसाय थोक के व्यापार करते हैं। और आपने कॉरिडोर बना दिया, धन्यवाद आपको, लेकिन आपने कॉरिडोर बनाने से पहले जिस तरीके से यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं और जो पर्यटकों की संख्या यहाँ बढ़ रही है, और यहाँ से यहाँ का जो मूल व्यापार चौपट हो रहा है, चाहे वो बनारसी साड़ी का व्यापार हो, चाहे वो सराफा का व्यापार हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक का व्यापार, मतलब ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जो कि बनारस से गोदलिया के बीच में न हो जो है। लेकिन उसको व्यवस्थित नहीं किया। नहीं नहीं, व्यवस्थित के साथ एक चीज बतलाना ये बहुत जरूरी है अंतिम में, कि यहाँ पर जो यहाँ के व्यापारी हैं उनकी स्थिति यह है कि वो बनारसी साड़ी के व्यापारी हो, चाहे वो आपके सराफा के व्यापारी हो, वो उस व्यवसाय से हट करके गुजरात से लोग आ करके, बाहर के जिले से लोग आ करके, किराए का मकान ले करके समोसा और पकौड़ी और कचौड़ी का दुकान कर रहे हैं, और जो यहाँ के मूल व्यापारी हैं वो बेचारे किराया ले करके अपने जीवन का जी को पार्जन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, ये व्यापारी वर्ग है, निश्चित तौर पर इन विषयों को लेकर लगातार बातें रखी गई है, लेकिन अन्य विषय पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। आपने बात किया कॉरिडोर का, तो कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिसंबर 2021 के बाद बड़ी संख्या में वाराणसी में पर्यटक आए हैं बनारस में, इसका इन्होंने एक अलग पहलू भी रखा। आपको क्या लगता है पर्यटन से बनारस को कितना फायदा हुआ? नहीं, पर्यटन से बहुत ही बनारस को फायदा हुआ, और पर्यटन के हर क्षेत्र में फायदा हुआ, चाहे वो ठेला खुमचा वाले हों, चाहे टूरिस्ट हों, चाहे माला फूल वाले हों, चाहे गाइड हों, चाहे रिक्शा वाले हों, चाहे टू व्हीलर से उनकी सेवा दे रहे हों, तो ये सभी दूसरे पर्यटक रूप से बहुत ही डेवलपमेंट हुआ। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि अगर आप नगर निगम का डाटा लीजिए तो यहाँ से फॉरेन और देश के अन्य क्षेत्र से लगातार पर्यटक आ रहे हैं। देखिए, एक सवाल हम आपसे जल्दी से करना चाहेंगे व्यापारी वर्ग से। पूर्वांचल
माफिया से, माफिया राज से बहुत ज्यादा परेशान था एक वक्त था। अब दावा यह किया जा रहा है खासतौर पर प्रदेश सरकार की तरफ से कि हमें एक बेहतर कानून व्यवस्था मिली, सच्चाई है इसमें आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल 100% सच्चाई है। हम सब लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, घर की लड़कियां निकल रही हैं और धड़ल्ले से काम कर रही हैं। आज हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो प्रिजम्पशन हम लोग कर रहे थे, आज उसको सच्चाई होते देख रहे हैं। हम तो एक चीज और कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, तमाम बम विस्फोट होते थे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बच्चे जाते थे, हम लोग डर जाते थे। आज ऐसा है कि कहीं पे कोई भी हम लोग फंक्शन कर ले रहे हैं बिना किसी डर भय का। तो एकमात्र यही सरकार हमको इस आतंकवाद से, इस दुर्दशा से मुक्ति दिया है। हमने देखा है मंदिरों में बम विस्फोट हुए, हमने देखा है कचहरी में बम विस्फोट होते हुए, आज हम उससे मुक्त हैं। क्या यह अपने में कम है या अपने आप में बहुत बड़ी बात है? आपने कह दिया, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कुछ कह रहे थे भैया? ऐसा है, सारे गुंडे भाजपा में आ गए हैं और अभी आपने देखा कि बेटियों के साथ इतना बड़ा वो हुआ, क्या समझे, और उन जो है उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई और सारे चीजों को दबा दिया गया। अभी विगत दिनों कुछ पुलिस वालों को, जो दरोगा खुद सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, लातों से घूसों से मारा गया, लेकिन उस अपराधी को जो है उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं इस बात, और दूसरी चीज, हमारी भारत काशी जो है सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है, यहाँ शिक्षा पे बात होनी चाहिए। शिक्षा का जिस तरह व्यवसायीकरण हो रहा है, ये शिक्षा माफिया, हमारे जो पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, तो शिक्षा पे जो हिसाब से प्राइवेट इतना महंगा हो गया है कि हमारे बच्चे जो है बड़े स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते, और राजरानी और मेहतरानी का बेटा ये सपना हुआ करता था लोगों का, लेकिन ये चीज केवल पूंजीपति लोग रहेंगे और गरीब लोग, गुजरात के लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ के लोग जो है भाग जाएंगे छोड़कर। बड़ा आरोप इनका है, हम अपनी बातों को अंतिम चरण में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। हाँ, आप कह रहे थे ऐसा है, आपका मुद्दा क्या था? लॉ एंड ऑर्डर पर, तो लॉ एंड ऑर्डर तो सिलेक्टिव हो गया है। जहाँ तक माफिया राज की आपने बात कहा, तो जो अभी हमारे पूर्ववर्ती ने कहा है कि भाई जो लोग इधर आ गए हैं तो गुंडे उनके लिए है ही नहीं है, और सही चीज तो जनता को मिल ही नहीं रहा है, सारी मीडिया पे तो सरकार का कब्जा है, तो हमको तो सही बात पता नहीं चल रही। यहाँ ये जरूर है कि बनारस का थोड़ा इकोसिस्टम प्रभावित हुआ है, किंतु जैसा मिश्रा जी ने अभी कहा कि यहाँ का ट्रेडिशनल बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया है, जिन लोगों की बड़ी बड़ी फर्में थे आज वो माला फूल बेच रहे हैं, यही यहाँ का विकास है। चलिए चलिए, इसके अलावा हाँ जवाब दीजिए। इसका मतलब कि विरोधी पार्टी मानते थे कि हमारे पार्टी में गुंडा बदमाश थे, बीजेपी में चले गए? ये तो वही बात हुई कि अपना जो है ऐप बचाने के लिए। पहले सुन लीजिए, आपने कहा कि गुंडे लोग सारे इधर आ गए, गुंडों के बीच में जो अच्छे लोग थे वो बीजेपी में आ रहे हैं, न कि गुंडे लोग इसमें आ रहे हैं। जो अपना एक पहचान है प्रदेश स्तर, राष्ट्र स्तर, देश स्तर के बड़े बड़े जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रीय, वो आ रहे हैं बीजेपी में, न कि जो सपोर्टर तो हर जगह आते जाते रहते। जो माफिया थे वो या तो ऊपर चले गए या तो ठेला बेच रहे हैं। वो जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर दिखाई देता जनरल पब्लिक को, सिलेक्टिव नहीं कि फला को किया धड़का नहीं किया। ये जो बात किए वो ये किए कि आप गली में निकल रहे हैं तो एकदम सेफ है, वो किस वजह से है उसका कोई माने नहीं रहता। एक सवाल इनकी ही बातें ले लें, विपक्ष का ये भी आरोप है कि धर्म देखकर और एक विशेष वर्ग को देखकर टारगेट किया जाए। कोई धर्म देख के नहीं होता है, धर्म एक विशेष धर्म के लोग अगर ज्यादा गंदे हैं तो कार्रवाई तो उन्हीं पर होगी। अपनी बात को रखिए। नहीं, विपक्ष के एक व्यक्ति ने कहा कि सारे गुंडे बीजेपी में आ गए, लेकिन मैं कहूंगा कि बीजेपी में जितने गुंडे आए वो सब शरीफ बन गए, ये बड़ी अच्छी बात है, ये एनडीए की देन है, ये एनडीए की देन है कि सारे गुंडे शरीफ बन गए। जवाब देना चाहेंगे इनका? इनका कहना ये है कि बीजेपी ने उन्हें साफ कर दिया, उन्हें बता दिया कि कैसे रहना है। ऐसा है कि ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने गुंडे हैं सब पार्टी में आने के बाद ऐसा कौन सा साबुन है जो कि नहला देते हुए हो जाते? अगर अपराधी नहीं होते तो पुलिस वालों को न मारते, हमारी बहन बेटियों को न छेड़ते। हमारे साथ युवा साथी भी, हम उनसे बात कर लेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। आपको लगता है कि 10 सालों में सरकार रोजगार देने में सफल नहीं हो पाई? सर आप बताइए, हमारी शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है? 2014 से 2024 के बीच में एक युवा पीढ़ी जो थी वो चाय खुमचा ठेला लगाने पे, आप देख सकते हैं एमबीए चाय वाला और बड़ा पाव वाली दीदी आए दिन नाना करके फूड ब्लॉगर फेमस होते चले जा रहे हैं। हम लोग धर्म की राजनीति पे वोट दे रहे थे। 2014 से 2024 के बीच में जितने भी मंदिर मस्जिद पे मुद्दे उठे, क्या हम उन मुद्दों को जो है मायना रख के, आधार रख के भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं?
चलिए अंतिम सवाल। सीधे सीधे विपक्ष ने यह कह दिया कि 2024 संविधान बचाने वाला चुनाव होगा, आपको क्या लगता है क्या संविधान हमारा इतना कमजोर था कि खतरे में आ गया? देखिए, ये संविधान बचाने की जो बातें हो रही है मात्र इस कारण हो रही है कि 400 पार का जो नारा दिया गया है, इससे लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है कि 400 पार का नारा का मतलब क्या है। 400 पार के नारे का यही मतलब है कि संविधान को बदलना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।